खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम की ओर से कहा गया, जेपी नड्डा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। सीएम ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा, जेपी नड्डा के नाम पर बोर्ड को सोचने की जरूरत नहीं। तो देखिए कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी राज्यसभा की एक सीट खाली है और हरियाणा से किसे राज्यसभा भेजा जाता है ये देखना होगा। जेपी नड्डा के नाम को लेकर जब सीएम से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सीएम की ओर से कहा गया कि उनके नाम को लेकर बोर्ड को सोचने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रही राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम की बड़ी प्रतिक्रिया। बात है कि नड्डा जी का नाम चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे इतना पता है पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस बात को तय करेगा वो होगा, और जब नड्डा जी का नाम होगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को और इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रवि, जेपी नड्डा को लेकर सवाल पूछा गया सीएम से कि क्या उनको हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा सकता है, सीएम कह रहे हैं कि उनके लिए बोर्ड को सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए हरियाणा राज्यसभा की एक सीट खाली है और उसको लेकर अभी चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कभी भी नामांकन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली थे और तब पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि जेपी नड्डा का जो नाम है वो कहीं ना कहीं सूची में चल रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया जेपी नड्डा के हरियाणा से राज्यसभा जाने वाले अटकलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगा। लेकिन नड्डा के नाम पर पार्लियामेंट्री बोर्ड को इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात जो है वो करते हुए इसके साथ साथ कुछ एक और जो नाम है वो कहीं ना कहीं सूची में जो है वो चल रहे हैं कि इन नामों पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो अटकलें थी कि जेपी नड्डा को भी राज्यसभा हरियाणा से भेजा जा सकता है, उसी पर यह सवाल जो है पत्रकारों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा गया था। शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो देखिए लोकसभा चुनाव करीब हैं और लोकसभा से पहले हरियाणा से राज्यसभा में किसे भेजा जाता है ये देखना होगा, क्योंकि कई समीकरणों को आप जानते हैं राज्यसभा का चेहरा या नाम जब भी तय किया जाता है कि तमाम समीकरणों को साधा जाता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा में राज्यसभा सीट को लेकर जब नड्डा के नाम को लेकर सीएम से सवाल किया गया तो उनकी ओर से कहा गया उनके नाम को लेकर बोर्ड को ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की है, भारत रत्न मिलने को लेकर बधाई दी गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो ये हम सभी के लिए खुशी का पल था, और साथ ही चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने को लेकर भी सीएम ने खुशी व्यक्त की है। सीएम ने कहा कि ये फैसले राजनीति से ऊपर के फैसले हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और बीते दिनों उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे, पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई थी। साथ ही सीएम ने प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात कर हरियाणा के राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा की है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एलके आडवाणी से उनकी मुलाकात, उनके आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक बार फिर से सीएम मिले हैं, पिछले दौरे के दौरान भी मुलाकात की गई थी, पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव से मिले हैं और पुस्तक भेंट की गई 9 साल के कार्यकाल को लेकर जिसमें कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा है। तो ये तीन तस्वीरें सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान की, एलके आडवाणी से उनके आवास पर सीएम मुलाकात के लिए पहुंचे, मिलकर भारत रत्न को लेकर बधाई दी गई है, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया है, शॉल भेंट किया गया है, गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, करीब 1 घंटे तक की मुलाकात रही, विप्लव देव से भी सीएम ने मुलाकात की। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे, देश के मिनिस्टर रहे, यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे, एक
को मिलने के बाद आनंद जो आता है, आज मुझे आनंद क्या सर, कल चौधरी चरण सिंह उनको 3 तारीख को भारत रत्न का उनको सम्मान किया गया, वो भी एक बहुत के मतलिए स्वतंत्रता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब दिल्ली आऊँगा तो गुरु रत्न क्या होंगे, आज उनके दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत की, थोड़ी बातचीत की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे, जो संतोष का भाव था और जो प्रेरणा के बारे में मैंने अपनी सारी बातें बताई। अभी हमने जो पुस्तक लॉन्च की, उसकी मैंने भेंट की, तो कुल मिलाकर तो संतोष है। मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार का विचार किया, उसमें से चाहे वो पूरी ठाकुर जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चाहे स्वामीनाथन जी हों, हर एक विभूति की अपनी विशेषता उनको ध्यान में रखते हुए देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है, ठीक पहचान की गई और पहचान करने के बाद और उनको एक सम्मानित जो दिया गया है, इसमें से एक बात तो स्पष्ट ध्यान में आती है कि ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति के देश के प्रति जो योगदान होता है उसको एक प्रकार से पहचान करके और उसको सम्मानित करने का विषय है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके निर्णय किए गए हैं। मैं इसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ ऐसी अच्छी हस्तियों को, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती रहे कि देश में अच्छा काम करने से